देश सहित छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी तीन चरणों का लॉकडाउन सफलतापूर्वक संचालित किया गया, जिसके चलते दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन का सम्मान किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस का सम्मान आईपीबीपी कम्युनिटी के सदस्यों सहित भिलाई तेलुगु समाज के अध्यक्ष द्वारा शॉल और पुष्पगुच्छ से किया गया है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा, महिला थाना प्रभारी प्रभा राव और खुर्सीपार थाना प्रभारी सुरेंद्र उके का भी विशेष स्वागत सम्मान किया गया है। यह सम्मान पाकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी काफी प्रसन्न हुए एवं तीनों चरणों के लॉकडाउन की सफलता का श्रेय जिले की जनता को भी दिया, जिन्होंने प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन शिद्दत से किया, तभी यह लॉकडाउन के तीनों चरण सफलतापूर्वक संचालित हो पाए। पुलिस प्रशासन के स्वागत सम्मान के सिलसिले में आईपीबीपी के बिशप और भिलाई के तेलुगु समाज के अध्यक्ष ने बताया कि ऐसे ही अन्य लोग जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कोरोना काल को सफलतापूर्वक संचालित किया है, उन सभी कर्मवीरों का सम्मान लगातार किया जाता रहेगा। एक बात तो है, सोशल मीडिया पर अन्य राज्यों की पुलिस द्वारा आम जनता पर बर्बरता की कई तस्वीरें सामने आई हैं, परंतु दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरह का कोई भी कार्य नहीं किया गया, बल्कि दुर्ग जिले की जनता ने शासन प्रशासन के निर्देशों को पूरी निष्ठा से अपनाते हुए अहम भूमिका निभाई है। दुर्ग भिलाई से संवाददाता राजेंद्र गाड़े के साथ सुनील सोनी की संयुक्त रिपोर्ट। मेंटेन करना है, इसी संदर्भ में अपने पुलिस विभाग को सम्मान करने हमको अवसर मिला। हमने पुलिस विभाग को, जनता को भी धन्यवाद देते हैं, हमारा टीम भी समय पर आकर इनको सम्मान करने में सहायता किया, धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।